इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन IDB और SC बैंक से 1.75 अरब डॉलर कर्ज के लिए दरख्वास्त। इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन से 40 करोड़ डॉलर कर्ज कम्युनिटी खरीदने के लिए कर्ज लिया जा सकेगा। इसराइल वजारत खजाना के मुताबिक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से 35 करोड़ डॉलर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए दरख्वास्त की गई है। मजीद तफसील जानेंगे मुदस्सिर अली राना से। मुदस्सिर, क्या इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, क्या ये कर्ज का हसूल मुमकिन हो सकेगा? जी, आई और वजारत ख़जाना के दरमियान जो 7 अरब डॉलर कर्ज मुहायदे की डील फाइनल नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का कर्ज मंजूरी के लिए पेश नहीं हो सका, तो इसकी जो बुनियादी और बड़ी वजह है वो फाइनेंसिंग गैप है। वजारत ख़जाना इस वक्त फाइनेंसिंग गैप को फुलफिल करने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है, और ज़राए वजारत ख़जाना की जानिब से ये बताया गया है कि 4 मुख्तलिफ सोर्सेस को वजारत ख़जाना ने रीच आउट किया है, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वहाँ से तकरीबन 1 अरब डॉलर की जो फाइनेंसिंग के लिए बातचीत चल रही है। जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से फाइनेंसिंग होगी वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की मद में होगी। इसके अलावा जो दूसरा सोर्स है जो ज़राए वजारत ख़जाना की जानिब से बताया गया है, इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन, यहाँ से कमोडिटी खरीदारी के लिए तकरीबन 40 करोड़ डॉलर फाइनेंसिंग की बातचीत चल रही है। और जो तीसरा सोर्स है वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ से तकरीबन 35 करोड़ डॉलर कमर्शियल कर्ज के लिए बातचीत चल रही है। चौथा और जो आखिरी सोर्स है वो 1.2 बिलियन डॉलर की डेफर पेमेंट पे ऑयल फैसिलिटी जो सऊदीया से हासिल की जानी है, उससे मुतालिक बातचीत चल रही है। लेकिन इन चारों सोर्सेज की जो इस वक्त तक की करंट सूरत हाल है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और जो इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन है और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से, इनसे एडवांस स्टेज पर मौजूद हैं, बातचीत फाइनल हो रही है और नियर फ्यूचर इनके साथ डील फाइनल हो सकती है। लेकिन जो साथ ही सऊदी अरब के साथ डेफर ऑयल पेमेंट ऑयल फैसिलिटी है, उसके मुतालिक अभी तक ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि यहाँ पर मुहायदा तातुल का शिकार है। गो के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से गुज़श्ता रोज़ कल गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, जिसमें उनकी जानिब से ये बताया गया है कि सऊदी अरब के साथ उधार तेल की सहूलत पर भी बातचीत चल रही है और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पर भी बातचीत चल रही है। और वज़ीर ख़जाना पुर उम्मीद हैं कि रवां माह के दौरान ही IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, यहाँ से कर्ज मंजूर करा लिया जाएगा, जैसे ही एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप का इशू रिजॉल्व होगा। लेकिन अभी तक जो ज़राए वजारत ख़जाना की जानिब से बताया गया है कि ये जो चारों सोर्स हैं, इनके साथ वजारत ख़जाना हकाम रबते में है, मीटिंग्स कर रहे हैं और जल्द इन पर अहम पेशरफ्त मुतवक्के हो सकती है, और उसके अगेंस्ट में तमाम तर जो मुहदे तय पा जाएंगे तो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसके साथ जो दोस्त ममालिक हैं जहाँ से 12 अरब डॉलर का कर्ज रोल ओवर कराया जाना है, उससे मुतलिक भी अहम पेशरफ्त है, और ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है कि वजारत ख़जाना दोस्त ममालिक के साथ डे टू डे जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, और उसकी रोल ओवर के लिए बाकायदा तौर पर जल्द पाकिस्तान को खुशखबरी मिल जाएगी। जो दोस्त ममालिक के साथ 12 अरब डॉलर का रोल ओवर है, ये IMF का जो प्रोग्राम है। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। हम मजीद भी इस पर आपसे तफसीलत लेते रहेंगे।